सो गाइस, मैं अभी सो के उठाऊँ और मेरा फोन क्यों बज रहा है? कौन फोन कर रहा है? हेलो, कौन? 5 minutes later. तो गाइस, मुझे फोन करा था कार शोरूम का मालिक और उसने मुझे बताया किसी का एक्सीडेंट हो चुका है। मैं बताता हूँ कैसे किसका एक्सीडेंट हुआ है। तो सीन कुछ ऐसा होता, कार शोरूम के मालिक का ऑडी खड़ा था एक ऑफिस के वहाँ पे, तो उसको लेने के लिए एक वर्कर को भेजा था जो काम करता है, और वो साइकिल लेके उसको लेने के लिए गया और वो सीधे साइकिल से उतर के ऑडी के अंदर बैठ गया। उसके बाद वो कार शोरूम की तरफ निकल गया ऑडी को लेके, और सब ठीक ठाक जा रहा था कि उसका कंट्रोल बिगड़ गया, बैलेंस इधर उधर चला रहा था कार और टक्कर मारने ही वाला था कि, लेकिन वो बच गया था। फिर जब सामने चला के ले जा रहा था, वो आगे जाते ही उसका बैलेंस फिर से बिगड़ गया और उसने टक्कर ही मार दी, और ऐसे भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हुआ उसका, और फिर उस कार को उसने पेड़ के अंदर जाके ठोक दिया। तो आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। तो मेरा काम है उस कार को ले जाके ठीक करना और कलर करना, फिर इसको वापस मालिक को देना। और उस लड़के के बारे में चिंता मत करो गाइस, क्योंकि मैंने कार शोरूम के मालिक से पूछा वो वर्कर का क्या हुआ, उसने बताया वो अभी हॉस्पिटल पे है और अभी वो ठीक है, वो बच गया है। तो हम भी चाहते हैं वो अच्छा हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, एकदम फिर से पहले जैसा हो जाए और फिर से वो काम करने लगे। और आप लोग भी गाइस कमेंट करो उसके लिए, वो अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। और मैं इधर क्यों जा रहा हूँ बता दूँ, मेरे यहाँ पे ट्रक ट्रॉली है जिसको लेके मैं जाऊँगा कार के पास, और कार को उठाना भी तो है तो ट्रक ट्रॉली लगेगा ना, इसलिए मैं ट्रक ट्रॉली को लेने आया। ये रहा मेरा ट्रक ट्रॉली, देखो कितना बड़ा है, बहुत सारे कार इसमें ले जा सकते हैं हम। तो चलो इसको लेकर निकलते हैं अब कार के वहाँ पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। अब बस हमें ट्रक ट्रॉली को घुमाना है नीचे ले जाने के लिए, तो चलो आराम से घुमाते हैं, टक्कर नहीं मारनी हमें। चलो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, बहुत बढ़िया। और अरे अरे, अभी टक्कर लग जाता, लेकिन थोड़ी टक्कर लेगी, उससे कुछ नहीं होगा। चलो अब जाते हैं हमारे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं क्या हाल होगा उस जगह का। मैं सोच भी रहा हूँ तो भाई कांप रहा हूँ, क्योंकि कार के मालिक ने तो यही बताया बहुत भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो फिर भी बच गया वो लड़का। और बस हम पहुँचने वाले गाइस आ चुके हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है हमारा। और ये देखो, अरे अरे, मैं ही ना एक्सीडेंट कर दो यहाँ पे। ये देखो कार का हालत, देखो गाइस क्या हुआ है। चलो इसको पहले हम ट्रक ट्रॉली को सामने ले जाके सही जगह पे रख देते हैं, थोड़ा आराम से। हाँ, इस जगह पे साइड ठीक रहेगा, नहीं और भी आगे रखते हैं। तो हमने सही से ट्रक ट्रॉली को हमने लगा दिया है, अब चलो कार के पास जाते हैं, क्या हाल हुआ है कार का देखते हैं। ये देखो यार, ये रहा एक पुर्जा है कार का यहाँ पे पड़ा हुआ, और कार यहाँ पे पेड़ पे टक्कर लगा हुआ पड़ा है, और वो देखो उस साइड पे और एक पुर्जा है, किधर किधर बिखरा हुआ है पता नहीं। और कार का हाल देखो सामने से तो एकदम ना भाई, इधर से भी एकदम खराब, पूरा हाल खराब हो चुका है कार का। उस साइड से भी कोई पार्ट्स होगा शायद, उधर इधर गिरा होगा, लेकिन हमें अभी तो दिख नहीं रहा है अभी के लिए। लेकिन चलो इस कार को अब ले जाते हैं ट्रक ट्रॉली के ऊपर। तो गाइस, एक दिक्कत हो चुकी है हमारी कार का, मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ आगे ले जाने के लिए, लेकिन ये नहीं जा रहा है, ना पीछे मुड़ रहा है ना आगे जा रहा है, ये बहुत गलत तरीके से इधर अटक चुका है लगता है। तो क्या करेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, मुझे लगता है ये इसको चला के हम नहीं ले जा सकते। तो मैं अच्छा कार से अंदर से उतर जाता हूँ, और इसको लगता है धक्का मार के हमें ट्रक ट्रॉली के ऊपर ले जाना है, तो मैं तो अकेले इसको धक्का नहीं मार सकता, इसलिए बहुत सारे लोग लगेंगे। तो मैं जा रहा हूँ कुछ लोग को बुलाने। A few minutes later. तो मुझे तीन लोग मिल चुके हैं, और तीनों को बोल दिया है काम क्या है, और तीनों को बोल दिया मैंने 200 रुपये करके दे दूंगा तीनों को, और तीन लोग ही मान चुके हैं। तो चलो इनको ले जाते हैं कार के पास। चलो हम आ चुके हैं कार के पास, अब तीनों तुम लोग धक्का मारो जल्दी से। तो गाइस तीनों नहीं, चारों मिलके हम लोगों ने एकदम ट्रक ट्रॉली के ऊपर इस कार को हमने चढ़ा दिया है। आखिरकार बहुत मेहनत लगाई गाइस, उसी के साथ मैंने ट्रक ट्रॉली को भी घुमा लिया है, अब चलो इसको ठीक करने के लिए ले जाते हैं। तो हम आ चुके हैं ट्रक ट्रॉली को लेके हमारे गैरेज के यहाँ पे, और चलो इसको पहले कार को उतारना भी तो होगा हमें। चलो अब कार को उतारते हैं नीचे, अब देखते हैं उतार पाएंगे या नहीं। इस साइड से तो हम जाते हैं, अबे इस साइड से तो नहीं जाना है, उधर जाना है, उधर उस साइड को हमें कार पे बैठना है। अरे भाई बैठेंगे कैसे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, यहाँ पे तो अटक गया, देखते हैं। अबे यार थोड़ा आगे जा, अरे यार ऊपर नहीं, नीचे नीचे थोड़ा इधर। चलो बैठ जा। चलो बैठ चुका है, देखा, अरे भाई इस पार से उस पार हो गया ये तो, कोई बात नहीं। अब चलो इसको आराम से नीचे उतारते हैं। ओके ठीक ठीक करके जा रहा है नीचे, और ये उतर चुका है हमारा कार। चलो इसको बस गैरेज में ले जाना है हमें, अब गैरेज के अंदर ले जाते हैं, इसको ठीक भी करना है हमें। लेके आ चुके हैं हम गैरेज के अंदर ऑडी को, अब देखो यार ये सब जगह से टूटा है भाई, सब जगह को मुझे अब ठीक करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। चलो इसको ठीक करना शुरू कर देते हैं हम। ए
A few minutes later. तो गाइस आखिरकार हमारा कार ने पूरा ठीक कर दिया। हमारा कार तो नहीं है ये, कार शोरूम के मालिक का कार है। तो मैंने पूरा ठीक कर दिया है। अब चलो इसको कलर करते हैं, इसको क्या कलर कर सकते हैं देखते हैं। अब देखते कौन सा कलर इस पर मस्त लगेगा। तो येलो कलर एक बार करके देखते हैं। नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा। रेड, अरे रेड कलर को तो देखो यार, ये अच्छा लग रहा है, इसको कर देते हैं क्या। हाँ यही सही लग रहा है। चलो हमने रेड कलर कर दिया इसका। अब देखो पूरा का पूरा कार एकदम मस्त लग रहा है। अब इसको चलो बाहर निकालते हैं पहले गैरेज से। ऑडी को ले आ चुके बाहर। अब पूरा का पूरा देख लो गाइस, एकदम मस्त लग रहा है ना। चिकना बना दिया, मतलब एकदम नया कार बना दिया ऑडी को। कहाँ टूट गया था एकदम बाहर से अंदर से सब जगह से टूटा था, तो मेहनत करके हमने पूरा ठीक कर दिया ऑडी को। और रेड कलर के ऊपर तो एकदम मस्त लग रहा है। तो चलो इसको अब ले जाते कार शोरूम पे, और कार शोरूम के मालिक से बहुत पैसे लेंगे भाई, मेहनत का फल तो चाहिए ना। तो चलो निकलते हैं। और गाइस हम आ चुके हैं कार शोरूम पे। ये देखो हमारा कितना बड़ा कार शोरूम है। तो चलो इसको अभी पार्क कर देते हैं, ऑडी को यहाँ पे लगा देते हैं हम पहले। ये लगा दिया। अरे अरे अभी टक्कर लग जाता, बार बार बच गया पीछे से, नहीं तो टक्कर लग जाता और टूट जाता यार, फिर से मुझे ठीक करना पड़ा। लेकिन चलो हमने लगा दिया। अब चलो जल्दी से जाते हैं मालिक के पास। ये देखो यार कार्स तो देखो एकदम महंगे महंगे सुपर कार है। एक एक समय तो लगता है मैं इनको लेके भाग जाऊँ। नहीं गाइस मैं मजाक कर रहा हूँ, इनको नहीं ले। चलो अब मैं पैसे लेके आता हूँ मालिक से, फिर मिलता हूँ आपसे। 5 minutes later. तो गाइस मुझे मिल चुका है पैसा। अब मैं बाहर निकल के बताता हूँ कितने पैसे लिए मैंने आपको। रुको रुको बाहर आ चुके। चलो अब बताता हूँ मैंने लिया उनसे पूरे 40 लाख रुपये ले लिया भाई। चलो अब जल्दी से निकलते हैं घर की तरफ, और मैं बुला लेता हूँ मेरा R15 बाइक को। ये आ चुका है मेरा R15। चलो इसको लेके चला के निकलते हैं सैक करके। ये और आज तो धंधा का माल सस्ते में भी एक दिया रे भैया, मतलब बहुत कमा लिया हमने आज। 40 लाख कमा लिया, 40 लाख एक कार को ठीक करके ऑडी को। मेहनत का फल है गाइस, मेहनत का फल। चलो अब जल्दी से घर की तरफ निकलते हैं भाई, उड़ उड़ के जाएंगे आज तो हम। आ चुके हैं घर। और गाइस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।